हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शुभी है और मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, डीआईवाईज और बहुत कुछ। आज मैं वीडियो बहुत दिनों के बाद लेके आई हूँ। मैं कुछ दिन के लिए थोड़ा बिजी थी और वीडियोज में रेगुलरली अपडेट नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अब मैं रेगुलरली एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक वीडियोज डालती रहूँ। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड चेक देम आउट। मेरी लास्ट सीरीज थी सेल्फ केयर रूटीन के ऊपर, जो कि आप घर में खुद से अपनी केयर कैसे कर सकते हैं, आप कैसे अपने हेयर कलर कर सकते हैं, अगर आपके ग्रे हेयर है तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। मैंने वहां पर पेडिक्योर, मेनिक्योर और काफी सेल्फ केयर से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट टू चेक देम आउट। जैसे कि आप जानते ही हैं, फेस्टिवल सीजन आ गया है और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, यू नो, नए ड्रेसेस पहनने में, रेडी होने में और सब, यू नो, बहुत अच्छी फोटोज एंड सेल्फीज क्लिक करने के लिए। तो मैंने अभी तक कुछ भी नया ऑर्डर नहीं किया है। करवा चौथ भी आने वाला है और दिवाली और बहुत सारे फेस्टिवल्स, बट मैंने अभी तक कोई भी नई ड्रेस ऑर्डर नहीं की है। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी ड्रेसेस पड़ी हैं जो कि मैंने सिर्फ एक या दो बार पहनी है और वो सिर्फ रखी रह जाएंगी, मतलब धीरे धीरे वो पुरानी हो जाएंगी, फिर उनसे मन भी उतर जाएगा। तो इससे अच्छा है मैं उन्हीं ड्रेसेस को कुछ डिफरेंटली स्टाइल करूं, ताकि मैं उन ड्रेसेस को दोबारा से फिर से यूज कर सकूं और यू नो, देखने में भी एक नया लुक आ जाए उनका। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपनी अनारकली का लुक, जो कि व्हाइट कलर में है, प्लेन व्हाइट अनारकली है। नॉर्मली मैं उसे ऑल व्हाइट में डालती हूँ, बट आज मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ और हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आप भी अपनी इसी तरह किसी ड्रेस को यूज कर सकें जो कि आपने सिर्फ या एक या दो बार पहनी और आपको अभी भी वो पसंद है, बट आप उसे इसलिए नहीं पहनना चाहते क्योंकि वो सबने देख ली है। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू लुक ऑफ द सेम ड्रेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये है अनारकली जो कि ओवरऑल वाइट है। दुपट्टा और लेगिंग्स इसके साथ वाइट ही हैं। मैं यूजुअली इसके साथ कुछ कलरफुल ज्वेलरी पहनती थी टू ब्राइटन दिस अप, बट आज मैं इसे सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइल कर रही हूँ। मुझे ये लुक अच्छा लग रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल और सूदिंग है आई के लिए। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। नंबर टू लुक में मैंने बनारसी दुपट्टे के साथ इसे स्टाइल किया है। इस लुक में दुपट्टा अपने आप में एक स्टेटमेंट है, तो मैंने इसलिए ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनी है, मैचिंग इयररिंग्स पहने हैं और आई फील इट इज़ अ कंप्लीट लुक। नंबर थ्री लुक में मैंने अपनी स्कर्ट लहंगा के साथ पहना है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने ये लहंगा पहले देखा होगा और यहाँ पे मैंने इसे ब्लैक दुपट्टे के साथ स्टाइल किया। इस लुक में अनारकली एज अ टॉप है और कुछ सुंदर सा हेयर स्टाइल आप कर सकते हैं और ओवरऑल लुक आई फील इट इज़ अ गुड वन। एंड इन नेक्स्ट लुक मैंने अपनी ग्रीन श्रग को पहना है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई पर्सनली लाइक दिस लुक अ लॉट। एंड श्रग आपको बहुत काम आ सकता है, वेदर चेंज हो रहा है, इवनिंग की अगर गेट टुगेदर है, दिवाली पार्टी है, तो आप ये ज़रूर पहन के जा सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल है, इजी बिजी ड्रेस है, तो इस तरह से आप श्रग के साथ स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास श्रग नहीं है तो आप एज अ दुपट्टा, दुपट्टे को श्रग की तरह बना सकते हैं। लुक फाइव में मैंने ये दुपट्टा लिया है। अब आप ये कहेंगे कि पहले भी तो दुपट्टा लिया था, इसमें क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि यहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट ज्वेलरी यूज़ कर सकते हैं जिसे आप शोकेस करना चाहते हैं, और इसमें आप दुपट्टे की जगह शॉल भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह से आप शॉल को ले सकते हैं। मैंने यही लुक पहले शॉल के साथ भी पहना है और बहुत ही प्यारा लुक लगता है। वेदर के हिसाब से भी आप इसे यू नो कम्फर्टेबली पहन पाएंगे, तो आप अपनी ज्वेलरी और शॉल को कुछ इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप दुपट्टे के साथ कर रहे हैं तो इस तरह से श्रग और बेल्ट के साथ इसे स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट लुक में मैंने इसे एज अ ड्रेस पहना है और डेनिम जैकेट सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया। सो गाइस, दिस वाज माय आइडियाज टू वेयर वन अनारकली इन डिफरेंट वेज। आई होप ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो मुझे कमेंट में बताइए, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब प्लीज कीजिए, मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। आप लोगों का प्यार मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इस तरह की और वीडियोज लेके आती रहूँ। तो चलिए, टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।